Hello viewers, welcome in my channel. I'm your maths teacher Rashmi Sharma. इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट इवेल्यूट साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री. तो इस क्वेश्चन में हमने एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 में भी किए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एंगल वही एंगल है बट वो डिफरेंट है जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मैं क्वेश्चन नोट कर ले. साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री. तो यहाँ पे इसके अंदर जैसे कि हम देख रहे हैं कि 25 प्लस 65 डिग्री होता है 90 डिग्री. इन दोनों एंगल का सम कितना है 90. तो जब किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन एंगल को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो हम इस क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो मेथड में हमने बहुत सारे देखे हैं फॉर्मूलाज, उनसे हम इसको सॉल्व करेंगे. तो उस यहाँ पे साइन कॉस है, कॉस साइन है, टू टू की पेयरिंग है, तो उसमें से हमें एक को चेंज करना होता है. या तो हम साइन को चेंज करें या फिर कॉस को, दोनों को एक साथ नहीं चेंज करना है, एक को चेंज करना है. या तो हम 25 को चेंज कर लेंगे या फिर 65 को. तो हम क्या करते हैं, 25 को चेंज करें. तो इसमें से 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 65 डिग्री. 65 इधर प्लस में है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. 25 की जगह हमें वैल्यू पुट करना है और बाकी कहीं पे कुछ नहीं करना. 25 की जगह हमने पुट किया 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री. तो ये क्या हो गया, 25 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया और कॉस 65 डिग्री एज इट इज. सेम हम यहाँ भी पुट कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री. अब हमारी जो आइडेंटिटी है साइन कॉस वाली कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो की, हम उसको राइट करते हैं. हम यहाँ पे कौन सी दो आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, तो वो है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा. एक बार मैं आपको सारे फॉर्मूलाज दिखा देती हूँ तो आपको याद हो जाए ये सारे कौन से एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. साइन का कॉस से रिलेशन, कॉट का टेन से और सेक का कॉसेक से. तो इस क्वेश्चन में साइन कॉस ही है इसलिए हमने पहले दो रेशियो को यूज़ किया है. ओके. अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस 65 डिग्री और ये भी कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा. तो ये हो गया साइन 65 डिग्री साइन 65 डिग्री. तो सेम हो गया. अब हम इनको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई. यहाँ कॉस 60 कॉस 60 cos 65 दो बार है तो ये हो जाएगा cos square 65 डिग्री और ये हो जाएगा sin sin तो sin square 65 डिग्री. अगेन यहाँ पे एक आइडेंटिटी है sin square theta प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1. तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1. दोनों का थीटा सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए. यहाँ पे 65 है और ये भी कितना है 65. तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1. आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया. मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.